नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जो है आप लोग सामने, आप लोग जानते होंगे हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आपके कदम कदम पर सहयोग करने के लिए संकल्पित है, और सहयोग करने के लिए जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं करने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि कदम कदम पर आपका सहयोग मैं कर पाऊँ, और ऐसा करने का मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा हूँ, किसी तरीके से आपका एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाए। जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने का पूरी तरफ से, अपनी तरफ से तो पूरा 100% दे रहा हूँ। आज जो है मैं, आप लोग अगर पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो मैं जो है मौलिक अधिकार की एक श्रृंखला को चलाया है। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 नंबर का GS आने वाला है, तो अगर 50 नंबर का GS आएगा तो ध्यान रखिएगा पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। 10 नंबर की पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी, तो उसी संविधान और राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं हिंदी में, उसी का एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है, चैप्टर नहीं टॉपिक होता है, मौलिक अधिकार। मैंने पिछले वीडियो मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में चर्चा किया है, और हमने जो है मैंने बताया है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में है, और हमने जो है 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को डिस्क्राइब किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफिनेशन किया है, बहुत ही डीप में जा करके उसको पढ़ाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है जा करके वह वीडियो देख लीजिए। आज जो मैं मौलिक अधिकार की जो श्रृंखला मेरी चल रही है उसी मौलिक अधिकार के 6ठे श्रृंखला पर पहुंचे हैं। यह 6ठवां जो मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हम बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है, एक बार सुनिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि संवैधानिक, सबसे पहली बात जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो आप बताएंगे अगर आपने समानता का अधिकार पढ़ा होगा तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। उसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। सबसे पहले हम आपको एक मूलतः पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है, उसके बारे में आप लोग जो है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुन रहे होंगे। अगर ध्यान पूर्वक बातों को सुनेंगे तो आज के बाद से संवैधानिक उपचारों के अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना मेरे अंदर अनुभव है। चलिए मैं बात करता हूं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त है संविधान के द्वारा। जो 5 प्रकार के मौलिक अधिकार ऊपर हमने पढ़ाया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, ये 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हमने पढ़ाया है, उन 5ों प्रकारों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में दिया गया है। अर्थात 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अगर 5ों प्रकार के मौलिक अधिकारों में किसी भी मौलिक अधिकार का आपको लगता है कि हमें समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, अपशोषण के विरुद्ध के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही संविधान को एक विस्तृत चीज, विस्तृत क्राइटेरिया प्रदान करता है कि संविधान हमारा बहुत ही अलग है, ठीक है। तो संविधान में जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से SSC ने क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं कि सर हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं यह दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन ही है,
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान लगाकर नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे और आप कहीं ना कहीं एक दो नंबर से परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, मेरिट में स्थान नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इसके आगे, इसके बताने के क्रम में इसके आगे हम बात करते हैं। जब आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे। तो उस गुहार के क्रम में होता क्या है, जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो उसके क्रम में होता क्या है, उसी क्रम को हमें पढ़ने की जरूरत है। उसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। अब रिट होता क्या है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो 5 प्रकार का रिट होता है वो होता क्या, रिट का मतलब क्या होता है, रिट का मतलब मोटी मोटा आप समझिएगा, रिट का मतलब होता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, उसी को मैंने रिट नाम दे दिया है। मैंने नहीं दिया है यह नाम, जो है संविधान बनाने वाले मनीषियों ने दिया है, विद्वानों ने दिया है। जो आप अब जो बातें मैं बताने वाला हूं, जो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहां से क्वेश्चन पूछने के बजाय अगर आप नागरिक है भारत देश के, आपको 5 प्रकार के अधिकार जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला जो रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो रिट जारी किया जाता है उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आपको यह चीजें, ये जो शब्द लिखा गया है, यह शब्द जो है थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, भैया इसे और किसी शब्द में डिफाइन कर दीजिए जिससे मुझे अच्छी तरीके से याद हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा जो संविधान बनाया गया है वो संविधान अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति संविधान सभा में थे जो कभी न कभी LLB किए थे, अर्थात वकालत से संबंध रखते थे, अर्थात इसी वजह से पूरे संविधान की जो शब्दावली आप देखेंगे कहीं ना कहीं LLB वकालत के, अर्थात डायरेक्टली आप इतना समझिएगा कि जितने भी शब्द आप देखेंगे जो टेढ़े मेढ़े शब्द हैं वो सभी जो है वकालत से संबंध रखते होंगे, ठीक है। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह होता क्या है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा और आसानी से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बंदी का मतलब क्या होता है, कोई बंद व्यक्ति। जब कोई बंद व्यक्ति लॉकअप में रहता है, जब कोई व्यक्ति लॉकअप में बंद हो जाता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अगर वह आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे के भीतर उसे जो है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है, आप इसे जानते होंगे। ये चीजें मैंने अनुच्छेद 22 में भी पढ़ा दिया था कि अनुच्छेद 22 के तहत 24 घंटे के भीतर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे निकट के मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होना है। अगर उपस्थित नहीं किया जाता है 24 घंटे के भीतर, अर्थात पुलिस उसे 24 घंटे से 48 घंटे लॉकअप में बंद करने का प्रयास करती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और वह हाई कोर्ट आपके मामले को संज्ञान में लेते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर देगा। अर्थात 24 घंटे के भीतर किसी अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था, आप उसके साथ क्या कर रहे थे 24 घंटे तक, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है। उम्मीद करता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको पता चल गया होगा। पहला रिट जो जारी करता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जारी करता है। अब दूसरे रिट की हम बात करते हैं, दूसरा रिट क्या जारी होता है। अगर आप लोग कापी और कलम लेकर के हमारे द्वारा कहे गए जो डिटेल वाले शब्द हैं उसे आप शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करेंगे तो और ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। चलिए, जो दूसरे प्रकार का रिट जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है परमादेश। क्या जारी किया जाता है, परमादेश। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के द्वारा एक रिट अर्थात एक आदेश और जारी किया जाता है, उस आदेश का नाम है परमादेश। अब ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को जब आप पकड़ेंगे तो अंतिम में आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा है आदेश। क्या शब्द दिखाई पड़ रहा है, आदेश नामक शब्द आपको इस शब्द में कोड वर्ड आपको पकड़ना है आदेश। आदेश का मतलब आदेश देना, परम मतलब श्रेष्ठ आदेश। जब सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट को यह लगे कि कोई व्यक्ति मतलब कोई सार्वजनिक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, अर्थात कोई सरकारी अधिकारी, ध्यान से सुनिएगा, कोई सरकारी अधिकारी, इसी चीज को आपको कोडिंग करनी है, बस
कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस इसी चीज को कोडिंग करनी है। कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है, उससे कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। हम किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा, हम किसी सार्वजनिक अर्थात प्रतिष्ठित अधिकारी के द्वारा हम पीड़ित होते हैं, तो हम जो है सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वह सुप्रीम कोर्ट यही परमादेश रिट जारी करके हमारी वहां पर रक्षा करेगा कि हम जो है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा पीड़ित नहीं होंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी है वह जनता से है, मैं सरकारी अधिकारी से नहीं हूं, अर्थात जनता सरकारी अधिकारी से नहीं है, जनता से उत्पन्न हुआ है सरकारी अधिकारी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो परमादेश इसी वजह से जारी किया जाता है जब कोई सरकारी व्यक्ति, प्रतिष्ठित पद पर प्राप्त व्यक्ति, किसी व्यक्ति को सताता है, किसी व्यक्ति के प्रति अवहेलना करता है, अर्थात उसकी बातों को नहीं मानता है, उसे पीड़ित करता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति सीधे जाएगा कहां? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट सीधे परमादेश जारी कर देगी कि भैया आप इसका लिखित में जवाब दीजिए, आप उसे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं परमादेश के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए हर एक चीज को कोडिंग, देखिए जितने भी पांच प्रकार के जो रिट जारी कराए गए हैं, उस रिट के पहले शब्द को आप पकड़ेंगे तो आप उसके तह तक जाने का प्रयत्न करेंगे तो आप आसानी पूर्वक चले जाएंगे। ठीक है, तो आप तह तक जाने का प्रयास करिए। अब तीसरी रिट के बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तीसरा रिट या हाईकोर्ट तीसरा रिट क्या जारी कर सकती है। तीसरा रिट है प्रतिषेध, ध्यान से सुनिएगा प्रतिषेध। अब देखिए ये प्रतिषेध जो शब्द बना गया है, प्रतिषेध जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नहीं। ठीक है, प्रतिषेध जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में प्रतिषेध का अर्थ है नहीं, अर्थात नकारात्मक। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, ठीक है, अर्थात जो बड़ा न्यायालय होगा, जो बड़ा न्यायालय होगा वह छोटे न्यायालय को, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को इस बात को जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह बताएगा कि कोई मुकदमा, मान लीजिए कोई मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, कोई मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई काम नहीं कर रहा है, अर्थात इस तरीके से समझिए अगर कोई मुकदमा हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो नहीं है, ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, जब कोई मुकदमा छोटे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है तो बड़ा न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय होता है वह उसे यह बताता है कि भैया यह जो मुकदमा आप अपने अंडर में ले लिए हैं, जायज सी बात है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, आप इसमें क्यों दिमाग खपा रहे हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, अर्थात वो प्रतिषेध करता है, अर्थात मना कर देता है कि आप ये काम मत करिए, इस मुकदमे को हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रतिषेध के बारे में आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं समझा देता हूं, कोई मुकदमा हाईकोर्ट में आप लेकर जाते हैं, अगर वह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे संज्ञान लेगा और कहेगा भैया यह मुकदमा हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वह मुकदमा सीधे सीधे कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, अर्थात उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि आप इस मुकदमे पर कार्यवाही न करें, यह मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र में, आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं प्रतिषेध के बारे में मैंने जितने भी बातें आपको बताई हैं अभी तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब चौथे रिट की बात करते हैं। चौथा रिट बहुत ही आसान है, इससे थोड़ा सा मिलेगा। चौथे रिट की बात करते हैं, चौथा रिट है उत्प्रेषण। ठीक है, चौथा रिट है उत्प्रेषण। अब मैं बात करता हूं उत्प्रेषण किसे कहते हैं। बिल्कुल जो मैंने अभी बताया प्रतिषेध से ही यह मिलता जुलता रिट है। ठीक है, प्रतिषेध से ही बिल्कुल मिलता जुलता यह रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट। अब यहां पर भी यही होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उत्प्रेषण दे सकती है, उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकती है, डीसी मतलब मैंने लिखा है, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी रिट कर सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट का कोई अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से समझिएगा, उत्प्रेषण में यही होता है कि हाई कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है, कोई चीज हाई कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बताएगा कि आप इस पर काम न करें, बिल्कुल प्रतिषेध की तरह ही है। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी कोई बात हो जाती है तो उसे हाई कोर्ट बताएगा।
कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर दिमाग ना खर्चा करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण की बात है ये बिल्कुल मैच खाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज्यादा डीप में भी मैं जाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, ठीक है। तो आप ओवरऑल धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करिएगा, और जब आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप किसी भी शब्द के तह तक जाने का आप प्रयास करेंगे तो आप जाएंगे, क्योंकि आप जो है इसी देश के नागरिक हैं और संविधान को जानना आपका हक है। अगर आप संविधान को नहीं जानते हैं तो आपके बात आपके जीवन में आपके सामाजिक जीवन में ऐसी कोई बात हो जाती है, आप संविधान के बारे में जानते ही नहीं है, तो आप कहां कहां जाएंगे, किससे किससे कानूनी सलाह लेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ कानून आना चाहिए। चलिए बात करता हूं, उम्मीद है कि आपको उत्प्रेषण समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बताएगी, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील कोर्ट को बताएगी, इस तरीके से चलता है, ठीक है। चलिए अब आखिरी रिट जो जारी किया जाता है उस रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो बहुत ही आसानी से आप पूछ, एकदम आसान है। अधिकार परीक्षा, अधिकार मतलब होता है अधिकार, अधिकार का क्या मतलब होता है अधिकार, परीक्षा माने पूछना, परीक्षा माने पूछना, अधिकार पूछना, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा के बारे में आपको बताऊं अधिकार परीक्षा होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा क्या होता है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार पूछना। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने अधिकार से ज्यादा काम कर रहा है, उसका अधिकार नहीं है ये काम करने के लिए, फिर भी वह काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति उससे पीड़ित हो रहा है, तो वह डायरेक्टली कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वह डायरेक्टली कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जब उस सार्वजनिक अधिकारी के बारे में बात करेगा, जांच करेगा, तो लगेगा कि हाँ इस अधिकारी के कार्यक्षेत्र में यह बात है ही नहीं, तो यह अधिकारी क्यों इस बात पर अपना दिमाग खपा रहा है। तो वह जो सुप्रीम कोर्ट है वह डायरेक्ट एक रिट जारी कर देगी अधिकार परीक्षा। आप लिखित में इसका बताइए आपने इस पर काम करना क्यों शुरू किया जब आपके ज्यूरिडिक्शन में था ही नहीं। और इसमें क्या होता है, ऐसी भी होती है अधिकार परीक्षा में, कहीं कहीं पर यह भी मैंने संविधान को देखा है, कहीं कहीं पर संविधान को देखा नहीं कि बुकों का अध्ययन किया है, तो बुकों के अध्ययन में कहीं कहीं पर यह भी लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सरकारी कार्यालय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी सार्वजनिक सरकारी कार्यालय पर क्या करता है, अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर देता है। जैसे आपके गांव के बगल तहसील है, आप तहसील के बगल में आपका घर है, आप जो है तहसील के किसी बाउंड्री को गिरा करके उसे कब्जा कर लेते हैं, कुछ दिन बाद आप थोड़ा सा और गिरा करके कब्जा कर लेते हैं, तो इस तरीके का आप बलशाली हैं, आप बाहुबली हैं, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अवैध रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि वह सरकारी जमीन है, उस पर आपको कब्जा नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सरकार की है, उस पर सरकार अपना रवैया अपनाएगी, कोई अच्छा काम सरकार करेगी, सरकार अच्छी आएगी, सरकार अच्छा काम ही कराने के लिए, आप लोकतंत्र में जीते हैं तो आप उस सरकार का गठन करें जो आपके लिए अच्छा काम करे, ठीक है। तो सार्वजनिक सरकारी कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा करने पर, ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक सरकारी कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा करने पर उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार परीक्षा की बात हो जाएगी कि भैया आप बताइए आप किस तरीके से इस कार्यालय पर कब्जा कर रहे हैं, आप क्या हैं, आप किस पद पर हैं कि आप इस सरकारी कार्यालय को कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात यह किसी आम व्यक्ति से ही नहीं, किसी अधिकारी से भी पूछा जा सकता है, किसी अधिकारी से भी यह पूछा जा सकता है आप क्या हैं, आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी अधिकारी के बारे में यह आपको शंका हो जाता है कि यह अधिकारी सही अधिकारी नहीं है, यह अधिकारी किसी फ्रॉड काम करके यहां पर उपस्थित हो गया है, अर्थात परीक्षा उरीक्षा नहीं दिया है, डायरेक्ट आईएएस बन के एसडीएम साहब बन के आ गया है, तो आप उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको लगे कि भैया ये अधिकारी नहीं है, गलती से अधिकारी बन गया है, तो आप इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको अगर शंका हो जाए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और उस पर जांच करवाइए ये अधिकारी है या नहीं है, उसकी योग्यता की जांच होगी और अधिकार परीक्षा की जाएगी, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ अध्यात्म परीक्षा के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो मैंने 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो नियम मैंने बताया है वो चीजें भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको पूरा पूर्णता मौलिक अधिकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके का क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं तो इतना जरूर मैंने बताया है कि जिस तरीके से क्वेश्चन अगर परीक्षाओं में आएंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी जाया नहीं जाएगा। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको जानना जरूरी है और मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं आज मौलिक अधिकार को समाप्त कर रहा हूं। आज के वीडियो के बाद, ये वीडियो जाने के बाद मौलिक अधिकार चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी डाउट आपका नहीं छूटने वाला है। अब सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार की बात किस भाग में की गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसकी बात की गई है। जब मूल संविधान बना था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वो 7वां मौलिक अधिकार क्या था जो मूल अधिकार से हमारे वर्तमान में हटा दिया गया है? वह मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार। जो अनुच्छेद 31 के तहत हमें पहले मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 48वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 से इसका काम तमाम कर दिया गया और इसे जो है 300 के क में इसका स्थान दे दिया गया और यहां पर इसे जो है कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आज से संपत्ति का अर्थात 48वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से संपत्ति का अधिकार क्या था? कानूनी अधिकार था और इसे अनुच्छेद 31 से हटा करके कहां कर दिया गया? 300 के काम इसका स्थान दे दिया गया। ठीक है, चलिए मैं एक चीज आपको और बताने वाला हूं। एक चीज देखिए, मैंने 32 तक तो बताया, अब 32 के बाद अनुच्छेद 33 34 35 में किसकी बात की गई है इसे भी जानिए, क्योंकि 12 से 35 तक आपको जानना है। ठीक है, 12 से 35 तक 32 में ही मैंने मौलिक अधिकार 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा दिया। अब 33 में किसकी बात की गई है? 33 में किसकी बात की गई है? 33 में बात की गई है सैन्य बल, ध्यान से सुनिएगा, सैन्य बल, खुफिया विभाग, सैन्य बल, खुफिया विभाग, सशस्त्र बल, सैन्य बल, खुफिया विभाग और सशस्त्र बलों में जितने भी सैनिक काम करते हैं, जितने भी अधिकारी काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ध्यान से सुनिएगा, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर सकता है, अर्थात मूल अधिकारों को कहीं न कहीं कंप्रेसित किया जा सकता है, अर्थात छीन किया जा सकता है, कहीं न कहीं से मूल अधिकारों को घटाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें जो है सभी मूल अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जैसे कोई खुफिया विभाग का आदमी है, वह खुफिया मतलब खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए पाकिस्तान चला जाएगा, वहां पर वह मार दिया जाएगा, उसे डायरेक्टली यह नहीं एक्सपोज किया जाएगा वह भारत का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा। तो सैन्य बल, खुफिया विभाग और सशस्त्र बल, इनके मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं हम कंप्रेसित कर सकते हैं, छोड़ा कर सकते हैं, या संसद को मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद 34 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 34 में बात की गई है मार्शल लॉ की। ठीक है, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है, अब मार्शल लॉ को कई लोग मतलब है नहीं समझेंगे, मार्शल लॉ होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मार्शल लॉ का मतलब होता है कहीं पर सैनिक शासन लागू हो गया है। ठीक है, कहीं पर वहां की जो कानूनी व्यवस्था है इतनी तरीके से बिगड़ गई है कि वहां पर वहां की जो पुलिस है वह काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। जब वहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया जाएगा तो वहां पर भी जितने लोग होंगे और वहां पर भी संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा, संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा, वहां पर भी जितने लोग अर्थात जो नागरिक हैं, अर्थात जो नागरिक हैं, उनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, उनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीजें भी समझ में आ गई होंगी। संसद को यह अधिकार प्राप्त है, कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो उनके नागरिक के मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है, कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित और खत्म में जमीन आसमान का फर्क है, इसे आप समझिएगा। और बात की जाए अनुच्छेद 35 में, संसद को अधिकार प्राप्त है, ध्यान से सुनिएगा,
संसद को पूर्णतः अधिकार प्राप्त है, वह मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, वह मौलिक अधिकार में, मौलिक या मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने लिखा दिया। ठीक है, तो संसद को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमने अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब एक चीज, अनुच्छेद 32 के एक चीज मैंने एक पॉइंट बताना छोड़ दिया है, एक पॉइंट मैंने आपको बताना छोड़ दिया, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, ध्यान से इस बात को सुनिएगा हमारे, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो बाबा साहिब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगर आपसे केवल यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है, प्रस्तावना, अगर आपसे केवल यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है, तो प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की आत्मा कौन, अगर ऐसा पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो आप वहां पर उत्तर प्रस्तावना सही करेंगे। अगर केवल और केवल एक लाइन में क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो वह प्रस्तावना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बी आर अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आज बताने का प्रयत्न किया है वो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है वह हमें जो है उपर्युक्त मौलिक अधिकारों के एक समझ लीजिए गारंटी के रूप में हमें प्रदान होता है। इसी वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ, मौलिक अधिकार की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, मैंने पूरी वीडियो के दरमियान अभी तक मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब का नाम भी नहीं लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारा अगर एफर्ट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। यह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, यह पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।